नमस्कार जनप्रवास और फास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बजट के एक दिन पहले संसद में पेश हुआ इकोनॉमिक सर्वे, इस साल की विकास दर 7% की रहने की जताएगी उम्मीद। केवी सुब्रमण्यम ने पेश किया $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का ब्लू प्रिंट, का बचत और निवेश से उड़ान भरने को तैयार अर्थव्यवस्था। भाजपा सांसद आर के सिन्हा ने उठाया डीयू में ऊंचे कट ऑफ का मुद्दा, सभी कॉलेजों में इवनिंग क्लास शुरू करने की रखी मांग। सांसद ने कहा 99% कट ऑफ का मतलब छात्रों को डिप्रेशन में भेजना, सभापति नायडू बोले मैं यूनिवर्सिटी से इस बारे में करूंगा बात। घाटी में रोजगार बढ़ाने समेत कई मोर्चों पर काम कर रही है केंद्र सरकार, गृह मंत्री अमित शाह रख रहे हैं सभी योजनाओं पर नजर। जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज अभियान पकड़ रहा है जोर, राज्य की जनता परिवर्तन की कर रही है उम्मीद। सपा के राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने शून्यकाल में दिया नोटिस, किसानों की समस्याओं को सदन में पटल पर उठाया। राहुल गांधी को महाराष्ट्र की सिवनी जेल से मिली जमानत, मानहानी मामले में 15,000 के निजी मुचलके पर हुई बेल। गौरी लंकेश मामले में बयानबाजी करने पर राहुल पर हुआ था केस, अदालत में बोले राहुल गांधी मैं निर्दोष हूँ। जमानत के बाद कोर्ट के बाहर कार्यकर्ताओं से बोले राहुल गांधी का विचारधारा की लड़ाई लड़ने में आ रहा है मजा। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में इस्तीफों का दौर जारी, हरियाणा के पार्टी नेता कुलदीप बिश्नोई ने दिया त्यागपत्र। हरीश रावत ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए महासचिव पद से दिया इस्तीफा, राहुल गांधी से अध्यक्ष पद पर बने रहने की अपील की। राहुल गांधी के इस्तीफे पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कसा तंज, कहा हार कर मैदान नहीं छोड़े जाते, जीत के बाद छोड़ो तो अलग बात। काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने सलमान को दी चेतावनी, का अगली सुनवाई पर हाजिर नहीं हुए तो रद्द कर दी जाएगी जमानत। ममता बनर्जी ने भगवान जगन्नाथ यात्रा से पहले की पूजा अर्चना, सीएम ने सांसद नुसरत जहां के साथ यात्रा के रथ को खींचा। कौन मंदिर में पूजा करने के बाद बोली टीएमसी सांसद नुसरत जहां, का मैं पैदाइशी मुसलमान लेकिन हर धर्म का करती हूं सम्मान। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने जगन्नाथ यात्रा में लिया भाग, प्रदेशवासियों के लिए भगवान से मांगा आशीर्वाद। तेजस्वी यादव ने की नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश, आरजेडी के विधायक दल के प्रस्ताव को किया खारिज। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की बढ़ सकती है मुश्किलें, INX मीडिया मामले में इंद्राणी मुखर्जी बनी सरकारी गवाह। लोकसभा की 543वीं सीट के लिए चुनाव का हुआ ऐलान, 5 अगस्त को बेल्लोर सीट पर होगा मतदान। आप विधायक सोमदत्त को कोर्ट ने सुनाई 6 माह की सजा, अदालत ने 2 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रूसी मंत्री से की मुलाकात, भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग पर की वार्ता। मनीष सिसोदिया ने मनोज तिवारी को भेजा मानहानि का नोटिस, स्कूलों के निर्माण में लगाया था घोटाले का आरोप। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन पहुंचे जगन्नाथ मंदिर, रायपुर के मंदिर में पूजा अर्चना कर रथ यात्रा को किया रवाना। महाराष्ट्र के विधायक नीतीश राणे ने इंजीनियर से की बदसलूकी, विधायक ने बाल्टी से नाले का गंदा पानी उड़ेला फिर रस्सी से बांधा। जन शिकायतों का त्वरित निस्तारण करेगी यूपी सरकार, सीएम योगी ने की मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की शुरुआत। राहुल गांधी के इस्तीफे पर स्मृति ईरानी ने चुटीले अंदाज में दी प्रतिक्रिया, बोली जय श्री राम। छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा करेगी केजरीवाल सरकार, दिल्ली मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। PPP मॉडल पर चलेंगे लखनऊ अहमदाबाद और बेंगलुरु के एयरपोर्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना पर लगाई मुहर। बसपा मुखिया मायावती ने भाजपा पर बोला करारा हमला, कागजी दावों से जनता का नहीं होगा कल्याण। समरविला स्कूल की छात्रा हेमा ने लहराया परचम, 200 मीटर स्ट्रोक बटरफ्लाई में हासिल किया ब्रांज मेडल। ओडिशा को केंद्र सरकार ने दिया विशेष राज्य का दर्जा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की घोषणा। दिल्ली के विधायक ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगाए पोस्टर्स, मनजिंदर सिंह सिरसा ने लिखा सबसे बड़ा लुटेरा। कांग्रेस की चुनावी हार पर बोले पंजाब के मुख्यमंत्री, हार का सारा बोझ राहुल गांधी के कंधों पर नहीं डाल सकते। सुखबीर बादल ने फर्जी एनकाउंटर मामले की सजा माफी पर खोला मोर्चा, राज्यपाल से की फैसले को वापस लेने की मांग। दाहोद में निकालेगी भगवान जगन्नाथ जी की 12वीं भव्य रथ यात्रा, हनुमान बाजार में स्थित रणछोड़ राय मंदिर से की गई शुरुआत। दाहोद जिला कलेक्टर समेत कई अधिकारियों ने रथ यात्रा में लिया भाग, सभी ने पूजा आरती करके लगाई चांदी की झाड़ू। केस दर्ज होने के बाद बोले सांसद आजम खान, हमने नहीं की कोई अपमानजनक टिप्पणी। सपा नेता के समर्थन में गांधी समाधि पर महिलाओं ने किया प्रदर्शन, आजम खान पर मुकदमों को वापस लेने की रखी मांग। सांसद महेश शर्मा ने किया पुल और अप्रोच मार्ग का लोकार्पण, नोएडा विधायक पंकज सिंह भी रहे मौजूद। कानपुर देहात के पुखराया कस्बे में पकड़ा गया सेक्स रैकेट, मौके से 2 लड़कियां और युवकों को किया गया गिरफ्तार। कई बार शिकायत के बाद भी चौकी इंचार्ज ने नहीं की थी कार्रवाई, SP के निर्देशन में CO की टीम ने मारा छापा। गौतम बुद्ध नगर में डायल 100 FIR योजना की हुई शुरुआत, विभिन्न थानों में दर्ज की गई 27 FIR। ग्रेटर नोएडा, नोएडा पुलिस ने सीच की 60 से ज्यादा लग्जरी बसें, सैकड़ों बस मालिक ने 0 पॉइंट पर किया प्रदर्शन।
बस मालिकों ने प्रशासन पर लगाया आरोप, बोले सारे कागज और परमिट होने के बावजूद पुलिस ने की कार्रवाई। विश्व कप के आखिरी मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला। वेस्ट इंडीज ने 26 ओवर में 2 विकेट पर बनाए 117 रन, धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल 7 रन बनाकर लौटे पवेलियन। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने संजय मांजरेकर पर साधा निशाना, का वरिष्ठ खिलाड़ियों का सम्मान करना सीखें। चयनकर्ता समिति पर जमकर बरसे पूर्व ओपनर गौतम गंभीर, का पांचों चयनकर्ताओं ने मिलकर इतने रन नहीं बनाए जितने रायडू ने अपने करियर में बनाए। भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर केएल राहुल का बड़ा बयान, बोले मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है रोहित की शैली को दोहराना। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।